अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर खैरती के साथ होंगे। हंसता मुस्कुराता चेहरा दगील गिलगित लोग अगर आपके सामने मौजूद है तो गाइस, इस वक्त हम मौजूद हैं बसीन गिलगित में, जो कि हमारी मदरलैंड हम जिसे कहते हैं मतलब। तो यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, नीचे से घर वगैरह मामूल होकर घर में टच मुलाकात वगैरह करके इधर ऊपर आए हुए हैं। तो इस वक्त जंगल टाइप जगह है, यहाँ पर आए हुए हैं और मतलब अभी विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी तो यहाँ पे मौजूद है, कुदरती वसाइल अल्लाह ताला के इनामात यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमने सोचा आपको भी दिखाया जाए, तो आप हमारे सामने भी देख सकते हैं और अभी हम आपको विज़िट कराते हैं, बने रहे हमारे साथ। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस वक्त अब मैं एक जंगल के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ पे आए हुए हैं और ये सामने जंगल के उस पार वहाँ पर शहर गिलगित नज़र आता होगा आप लोगों को। तो ये देखें आप, बहुत सुकून वाली जगह है, मतलब शोर नहीं है क्योंकि शहर से काफ़ी आउट है ये बसीन गिलगित, तो इसलिए यहाँ पे सुकून है, रश नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, कोई ऐसे वो शोर मतलब आलूदगी वाला कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि कुदरती वसाइल हैं। इस वक्त हम इधर आए हुए हैं भी यहाँ पे पानी देखने के लिए आए थे। यहाँ पर देखें आप चश्मे का पानी, चश्मे जो वहाँ से निकलते हैं उनका पानी है, ये यहाँ पर जमा हो रहा है और ये पाइप से उन फॉर्ड हो रहा है और ये जहाँ से जमा हो रहा है ये पानी। तो ये देखें, ये बिल्कुल मतलब नेचुरल पानी, जैसे मतलब चश्मों का पानी है ये, कहीं ना कहीं से रिस के इधर आ जाता है और यहाँ पे जमा होकर अंदर टंकी जाता है और फिर नीचे मामूल होकर घर जाता है। देख सकते हैं आप, अभी आगे भी विज़िट कराते हैं दूसरी जगहों का। सो गाइस, इस वक्त हम मामू के साथ चल रहे हैं और ये आप देख सकते हैं नीचे गिलगित शहर के मनाजिर भी नज़र आ रहे हैं हमें, तो साथ में नीचे बिल्कुल सरसब्ज जगह और ये सामने दरिया सिंध है और ये काफ़ी अच्छी जगह हैं चलने के लिए भी। और ये आप देख सकते हैं साइड में नालियाँ वगैरह हैं और ये ऊपर खेत वगैरह और ये जो जहाँ से पानी रिस के आता है कुदरती पानी, ये आप देख सकते हैं। ये आगे आबादी है, तो नीचे गिलगित शहर के मनाजिर भी नज़र आ रहे हैं इसे, तो ये ऊपर ये सामने जो जगह है यहाँ पे जंगल वगैरह हैं और गायें यहाँ पे चल रही हैं, लोगों के गायें वगैरह इधर बैठे हुए हैं, घास वगैरह खा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कुदरती मनाजिर, सुकून। ये सामने शहर है, सकार को ही कहते हैं शायद इसे, तो ये आप देख सकते हैं ये नीचे जंगलों के अंदर ही घर बने हुए हैं और ये सामने एक पाकिस्तान का झंडा भी बनाया गया है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे देखने के लिए, घूमने के लिए। इसी आप देख सकते हैं, ये है बसीन की आबादी और ये जागीर बसीन, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मखलूक हैं, ये हम भी मौजूद हैं, मखलूक हैं विज़िट करने आए हैं। तो ये देखें, सो गाइस, इन्हीं मनाजिर को देखते हुए अगर आपने हमारे चैनल द गिलगित ब्लॉगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले न्यू अपडेट्स आपको मिल सके। और गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं सामने पहाड़ों के बर्फ, पीले मनाजिर और जंगल। गाइस, वीडियो तो आपने देख लिया, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आखिर में यही रिक्वेस्ट है हमारे चैनल द गिलगित ब्लॉगर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले न्यू अपडेट्स आपको मिल सकें। तो ऐसे ही खूबसूरत मनाजिर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।